नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर। एमपी में सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, महंगाई भत्ता 8% बढ़ा, वेतन वृद्धि भी मिलेगी, 50% राशि अक्टूबर के वेतन में जुड़कर आएगी। सरकारी कर्मचारियों का बढ़ा 8% महंगाई भत्ता, कोरोना की वजह से 2020-21 में नहीं हुई थी वेतन वृद्धि। नवंबर महीने से कर्मचारियों को मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी, केंद्र से अब भी 11% कम मिल रहा है महंगाई भत्ता। राज्य सरकार ने 7 लाख अधिकारियों और कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 8% बढ़ा दिया है। यह राशि अक्टूबर के वेतन में जुड़कर नवंबर में मिलेगी, यानी महंगाई भत्ता 12% से बढ़कर 20% हो जाएगा। कर्मचारियों के अलावा 5 लाख पेंशनर्स को भी 8% महंगाई राहत बढ़ाया गया है। इसी तरह राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि पेंडिंग वेतन वृद्धि का 50% नवंबर 2021 में भुगतान होने वाले अक्टूबर 2021 के वेतन के साथ दिया जाएगा। लंबित वेतन वृद्धि की शेष 50% राशि मार्च 2022 में भुगतान होने वाले फरवरी 2022 के वेतन से दी जाएगी। हालांकि इसके बाद भी मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के कर्मचारियों से कम महंगाई भत्ता मिलेगा। केंद्र से अब भी 11% कम मिल रहा है महंगाई भत्ता। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 12% से बढ़ाकर 20% किए जाने के बाद भी केंद्रीय कर्मचारियों की तुलना में 11% कम मिल रहा है। बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को 31% महंगाई भत्ता मिल रहा है। अन्य राज्यों से तुलना करें तो भी मध्य प्रदेश के कर्मचारी पिछड़े हैं। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 2019 से लंबित रहा है। कहां कितना महंगाई भत्ता? महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार सहित कई राज्यों में कर्मचारियों को 28% महंगाई भत्ता मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में यह 23% है। अमूमन राज्य सरकारें केंद्र के निर्णय के हिसाब से महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला करती है।